हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने फिशेस को मैसिव अर्थवर्म खिलाने जा रहा हूँ, जो कि है ये। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे इस बात का एकदम भी उम्मीद नहीं था कि ये अर्थवर्म की वजह से मेरी फिश मर भी सकती है। बट वेट गाइस, मेरी फिशेस को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है और सलामत है। बट ऐसा बिल्कुल भी अपने फिशेस के साथ मत कीजिएगा, इससे आपकी फिशेस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपकी फिश मर सकती है। और ये एक्सपीरियंस मुझे ये इंसिडेंट के बाद पता चला। तो चलिए अब देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था। सो फ्रेंड्स, ये है तीन मैसिव अर्थवर्म जिसको मैंने अपने घर के पीछे से पकड़ा है। तो चलिए अब इन्हें अपने एक्वेरियम के पास में लेके जाता हूँ और अपने फिशेस का रिएक्शन देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये काफ़ी ज़्यादा गिनास्टिक लग रहा है और पता नहीं कैसे इसे फिशेस इतनी शौक से खाती है। शायद आप लोगों को इसका साइज सही से समझ में नहीं आ रहा होगा। रुकिए, इसे मैं टेबल में रख के दिखाता हूँ आप लोगों को। ओह माय गॉड, आप लोग जैसे देख सकते हैं इसका साइज ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मेरी जो शार्क फिश आप देख रहे हैं टैंक में, उससे भी ज़्यादा बड़ी है। मेरी जो शार्क फिश है वो लगभग 6 इंच की होगी, आधी फीट की है, बट ये वॉर्म उससे भी ज़्यादा बड़ी है। ये अभी डरी हुई है, इसलिए अपने आप को अभी सिक्योर्ड के है वो। उसको जैसे आप पानी में डालेंगे, आप देखेंगे इसका साइज़ जो है बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। और आप लोग अभी जैसे देख सकते हैं, मेरी शार्क फिश भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है ये वॉर्म को देख के। तो चलिए अब शार्क फिश का एक्साइटमेंट को कम करते हैं और जल्द से जल्द इसे एक्वेरियम में डालते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं वो वॉर्म को अब मैं टैंक में डालने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वो चली गई, वो आप अभी जैसे देख सकते हैं टैंक के एकदम बॉटम में है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अभी जैसे देख पा रहे होंगे, वो ग्रेवल्स के अंदर छुपने का कोशिश कर रहा है अभी। बट ये कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, मेरी शार्क फिश उसको ग्रेवल के अंदर से भी खोज के निकाल लेगी, क्योंकि मैं अपने फिशेस को बहुत छोटी एज से ही वो लोग को अर्थवर्म फीड कर रहा हूँ, इसलिए उन लोगों को पता है कि अर्थवर्म उन लोगों को कहाँ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग अभी जैसे देख सकते हैं, शार्क फिश को जैसे पता चला वो ग्रेवल के नीचे है, वो साथ ही साथ उसके ऊपर अटैक कर दी और अब उसे वो खाने की कोशिश कर रही है। यह अर्थवर्म को अगर कंपेयर करेंगे तो ये शार्क फिश के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी है और पता भी नहीं इसे शार्क फिश खा भी पाएगी कि नहीं। फिशेस को अर्थवर्म फीड करना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, इससे फिशेस का जो ग्रोथ होता है वो मेंटेन रहता है और साथ ही साथ फिशेस का जो कलर है वो भी इन्हेंस होता है। इसलिए फिशेस को सिर्फ पैलेट्स ही नहीं, साथ ही साथ लाइव अर्थवर्म हो गया या फिर उसको चिकन लीवर हो गया, ये सब भी फीड करना चाहिए। और आप लोग अभी जैसे देख सकते हैं, मेरी शार्क फिश अभी भी खा रही है वो अर्थवर्म को। ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैसिव था, इसीलिए उसको खाने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे बड़ा अर्थवर्म जो होता है उसको बीच से वो लोग कैची से काट देते हैं, बट वैसा कुछ मुझसे हो नहीं पाता, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट ही जितना बड़ा था उसलिए उसको उतना ही बड़ा दे दिया, जो कि मुझे लग रहा है कि ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थवर्म फीड कर देते हैं अपने फिश को तो वो वॉमिट करके बाहर निकाल देती है, बट मेरे केस में आप लोग जैसे देख सकते हैं फिश अपनी भी ट्राई कर रही है उसे कम्प्लीटली खाने का। और मेरी ये फिश को अर्थवर्म बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए आप इसका साइज़ देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है। और उसके साथ ही साथ अगर मेरे वाइट शार्क को देखेंगे तो वो बहुत छोटी है, बल्कि स्टार्टिंग में दोनों का जो साइज़ था वो सेम था, बट ये जो ब्लैक शार्क फिश है हमेशा से ही अपने बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा ही खा लेती है, जिसके वजह से इसका साइज़ आप देख सकते हैं वाइट वाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो फ्रेंड, मेरे आज के इस वीडियो से आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको अपने फिशेस को छोटा ही अर्थवर्म फीड करना है। ज़्यादा बड़ा अर्थवर्म फीड करने से फिश उसको सही से खा नहीं पाएगी और साथ ही साथ फिश को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मेरी ये जो शार्क फिश है वो काफ़ी देर से ये अर्थवर्म को खाने का कोशिश कर रही है और अब देखना ये है कि ये एंड तक में खा पाती है कि नहीं। और ये जो शार्क फिश है मेरा, ये लगभग 2 इंच की थी तब मैं इसे लाया था, तब से है ये मेरे पास और अभी इसका जो साइज़ है ये लगभग 6 इंच का है और इसको ये 2 इंच से 6 इंच तक होने में लगभग 3 महीने का टाइम लगा। और ये अब बस ज़्यादा नहीं, बस 1 इंच और अगर बढ़ जाएगी तो इसे मैं इस टैंक से निकाल के 3 फीट वाले टैंक में डाल दूँगा।
जहाँ पर मेरा पहले से ही बहुत सारा मॉन्स्टर फिश सब है। मैं पहले भी कई बार ट्राई किया हूँ अपने मॉन्स्टर टैंक में ये दोनों शार्क फिश को डालने का, बट डालने से प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी जो ऑस्कर फिश है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और वो मेरी ये शार्क फिशेस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। और आप लोगों को जैसे पहले से ही पता है कि शार्क फिश कितनी जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है और खाना खाना बंद कर देती है, और ऐसा कुछ ही मेरे साथ भी हो रहा था, इसलिए मैं इसे अभी इस टैंक में डाल दिया कि यहां ये लोग जल्दी से बड़े हो जाए और उसके बाद फिर वो लोग मॉन्स्टर टैंक में रह पाए। सो फ्रेंड्स, आप अभी जैसे देख सकते हैं मेरी शार्क फिश का बेली अभी कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है और वो अब अर्थवर्म को कम्प्लीटली खा चुकी है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये इंसिडेंट से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे और आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ गाइज, मेरा ये चैनल अभी बहुत ज़्यादा न्यू है जिसके वजह से काफ़ी कम लोगों तक मेरा वीडियो रीच होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है फिशेज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको मेरा रिप्लाई इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।